नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। महिलाओं में बहुत शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। हाउ इज द जोश, कैसे लग रहा है उसे? हाय मैम। प्राउड मोमेंट होता है? काफी ज्यादा मैम, एक अलग ही ये जोश लगता है यहाँ पे आने के बाद। छब्बीस जनवरी तो खास दिन होता ही है, क्या संदेश देना चाहोगे? तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे आर्मी में कितना जोश है। इस बार कड़क छाप पे एक रिपब्लिक डे स्पेशल होगा और इनको देख के लगता है कि इनमें कितना जोश है और हम लोग शायद बहुत प्रिविलेज है। मैं विजय चौक पे हूँ और आप मेरे आसपास देख सकते हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ये रिहर्सल्स होता है जो 26 जनवरी को एक शोकेस किया जाता है। इस बार का रिपब्लिक डे का जो परेड है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस है, एक तो नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, उसके अलावा जो मिलेट्स, ईयर ऑफ मिलेट्स है, ज्वार बाजरा, ये जो हमारे देश की असली खाना पीना है उस पर भी फोकस रहेगा, और इंडिया एट 75 75 साल जो भारत हुआ है उसमें क्या क्या उपलब्धियां हुई है उन सब पे फोकस होगा। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि महिला हैं और महिलाएं कर सकती हैं, और इसका सबसे जीता जाता मिसाल यहाँ पे है जो BSF के कैमल ट्रूप्स हैं पहली बार रिपब्लिक डे परेड में। पहले इनसे पूछते हैं कि हाउ इज द जोश, कैसा लग रहा है? बहुत ही हमें तो प्राउड फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम इस लड़कियाँ ये कैमल सवारी कर रही हैं, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हम मिस ये रिपब्लिक डे का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस वजह से जोश तो होना ही है कि लड़कियां कर रही है, हर लड़कियां कर रही है, बड़ी बात है, और हर फील्ड में पीछे नहीं रह रही है लड़कियां, तो ये हमारे लिए और हमारे जो भी देश के लड़कियों के लिए प्राउड की बात है कि लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कहा जाता है ना महिलाएं कुछ पर्टिकुलर नौकरियां कर सकती हैं, एक माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, और आप लोग ऊंट पे भी चढ़ जाते हो, मैं तो नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे ना डर लगता है। तो पहली बार जब आप चढ़े थे डर लगा था? पहली बार जब चढ़े थे जब डर लगा था, बट अभी नहीं लगा है। अभी हमने परेड कर ली है, हमने सर में रेजिंग डे की, BSF रेजिंग डे की, तो उसके बाद अब नहीं लगता है हम लोगों को डर, अभी हमारी पूरी प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये पहला इनका कंटिजन ऐसा है, और जाहिर सी बात है कि मैसेज बहुत और संदेश बहुत साफ यही है कि अगर हम महिला हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो कैसा लगता है आपको पहली बार जो आप लोग भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिन होता है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि इनके कैमल के वजह से हम यहाँ पहुँच पाए, पहली बार कर्तव्य पथ पर हम परेड करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं। आपको लगता है जब आप लोग शामिल होंगे और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता? महिला बहुत शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है, महिलाओं में बहुत शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। और यही आप लोग संदेश भी दोगे उस दिन? हाँ। जो लोग आपको देखने आएंगे आप उन लोगों को यही बात बताना चाहोगे कि हम महिला हैं तो क्या हुआ, ऊंट पे भी चढ़ सकते हैं, हवाई जहाज भी चला सकते हैं और सब काम कर सकते हैं? यस। तो कैसे लग रहा है आपको इस बात में शामिल होने में? मैडम बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा है हमारे को करके, पहली बार हमने रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने, और रेजिंग डे BSF रेजिंग डे परेड थी उसमें भी हम शामिल हुए थे, वो भी करके आए, तो पहली बार कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। पहली बार महिला जो हर क्षेत्र में महिला आगे हैं, तो महिला साइकिल से लेके एरोप्लेन तक चला सकती है, तो हम तो कैमल में बड़े अच्छी महसूस करें, खुशी की बात। बहुत बढ़िया,
आप देख सकते हैं ये लोगों का कम से कम 10 दिन तक इनका परेड होता है, और इनका अगर आप शेड्यूल सुने तो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे कि मैं बहुत हैरान हो गई थी। 2 बजे के करीब उठते हैं, 1.5 घंटा लगता है तैयारी करने में, और यहाँ पे जो आपने ऊँट भी देखा है उसको भी तैयार होने में 2 घंटे कम से कम लगते हैं। फिर 4, 4:30 बजे के करीब ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रिहर्सल चलता है, लंच ब्रेक भी होता है, लेकिन फिर से ये लोग वापस आते हैं। जो असली जोश की हम बात करते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। चलो मैं कोशिश करती हूँ इन लोगों से बात करने की। हर हर जगह का एक रेजिमेंट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि इसको कहते हैं गलवान रेजिमेंट, और उसके बाद बहुत चर्चा पे है इनका जोश क्या है, इनके बारे में भी हम बात करने की थोड़ी सी कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी। इनको डिस्टर्ब, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरा सवाल इन लोगों से सबसे पहले यही होगा कि हाउ इज़ द जोश, सुबह सुबह उठ के आना, प्रैक्टिस करना, लेकिन इतने बड़े दिन में शामिल होना कोई छोटी सी बात नहीं है। कैसे महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है मैम। बाकी यहाँ अभी हम तो पहली बार आए हैं, अभी पूरा जोश के साथ कर रहे हैं। वो तो देखने को मिलता है, सुबह सुबह तैयार होके आना आसान नहीं है, लेकिन उस दिन पूरा भारतवर्ष और मैं कहूँगी विदेश में भी बहुत सारे लोग आप लोगों को देखेंगे, प्राउड मोमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मैम। एक अलग ही ये जोश लगता है यहाँ पे आने के प्रकार, और साथ ही तब बाकी लोग को देख के अलग से ही जोश पैदा। उस दिन आप कुछ कहना चाहोगे देशवासियों को? हाँ, मैं तो देश है तो हम है, बिल्कुल यही है जज्बा जो शायद ये लोग भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और कन्वे बात और करते हैं। और जैसे कि आप मेरे आसपास देख ही रहे हैं कि तैयारी हो रही है। ओके, दिया फॉल्स में गलवान यूनिट, हमें ये बताइए गलवान यूनिट से, चलो आप लोग भी स्पेशल हो, सब तो वैसे सब स्पेशल है। हाउ इज द जोश, कैसे लग रहा है उस दिन? हाय मैम। हाय। बहुत अच्छा लग रहा है, अब पूरे जोश के साथ हमारे साथ जितने कंटिजेंट के साथी हमारे हैं, जो पूरे जोश के साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 26 जनवरी को पूरी जोश के साथ हम यहाँ पे दिखाएंगे। वो तो दिख ही रहा है, हमारे जैसे लोगों को बहुत ठंड लगती है सुबह सुबह यहाँ आना, लेकिन आप लोगों का शायद ये आदत हो चुकी है। लेकिन उस दिन 26 जनवरी तो खास दिन होता ही है जब आप लोगों को सब देखेंगे, लेकिन दुनिया भी देख रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? कि 26 जनवरी जो हमारे देश पे रिपब्लिक डे है वो हमारे लिए बहुत अहम है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे आर्मी में कितना जोश है, और हमारे बिहार रेजिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम दिखाएंगे कि हमारे बिहार रेजिमेंट का जो जज्बा है, जोश है, वो हम ड्रिल के थ्रू दिखाएंगे पूरे देशवासियों को कि हम में क्या जज्बा है, हम में क्या डिसिप्लिन है, ये हम देशवासियों को दिखाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि इनका एक बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंट होता है, जब ये अपने यूनिट पे रहते हैं तब तो रहते ही हैं, लेकिन आप देखिए तो चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ, तो आप देखेंगे कि ये कम से कम 10 दिन पर ये सब तैयारी रहती है, यहाँ पर बैंड भी है, पूरी तैयारी रहती है, और ये पूरा एक जोश जो देखने को मिलता है। यू नो, खास तौर पर मैं कहूँगी कि इस बार का फोकस रहा है आत्मनिर्भरता। किसी भी देश का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो डिफेंस पे होता है, और क्यों ना हो, और भारत में भी यही रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कभी बढ़ता गया, बिकॉज हमारे आसपास भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, इसलिए हमें पुख्ता सिक्योरिटी भी रखना होता है, हमें तैयारी भी रखनी होती है, और ऐसे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार का एक जोर इस बात पर रहा है, और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि रिपब्लिक डे पर इस बार फोकस रहेगा आत्मनिर्भरता, यानी कि हमारे ओन इक्विपमेंट्स, हमारे खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स, और हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। और जैसे कि मैंने कुछ आपके सामने लोगों को लाई हूं और उन्होंने बात भी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा जोश हाई है, ये इंपॉर्टेंट मोरल बूस्टिंग एक्सरसाइज होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रिपब्लिक डे परेड बस ऐसा ही है, चलो हम लोग देखने में आ जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी तैयारी होती है और कितना पैशन होता है और कितना एक इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर जो मैं आपको यहाँ से ला रही हूँ, जिसको हम विजय चौक कहते हैं, और अब ये कर्तव्य पथ, पहली बार इसका कर्तव्य पथ इसके बीच में चला जाएगा, उससे आपको साफ पता चल जाता है कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है, किस तरह का जोश यहाँ पे है, और किस तरह का इमोशन है, और ये बिल्कुल ही बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे देश के लिए होता है।